भाई साहब ये खड़े हैं भाई राज भाई। जल्दी आ चलो चल। तेरे को तो सब बताया इतना लेट होने का कारण पता क्या है? दो दिन यहाँ रहा, उन्हें भी लटकाया। मैं लटकाया और भाई पहचान भी नहीं पाया। व्हाट्सएप गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस अभी मैं आया हूँ, ये देख रहे हो कौन है ये? तो भाई लोग देखो अभी इसका मैं नहीं बता रहा हूँ कौन है ये, एक बार अच्छे से देख लो इधर बैग से एंड आप लोग कमेंट करके बताओ कौन है ये। बहुत डेंजर चीज़ है भैंस, क्या कि अपने स्ट्रीम में आता था पूरी स्ट्रीम, मतलब फैमिली फ्रेंडली हट जाती थी, नहीं रहती थी। हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लेक व्यू घूमने के लिए, क्योंकि जैसे कभी पानी वानी बहुत गिरा तो बड़ा तालाब जो है बहुत ज्यादा पानी है उसमें, तो भाई को भी थोड़ा घुमा देते हैं। तो ये कमेंट करके यहाँ पे ब्लॉग हो रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं लेक व्यू, ये आप पीछे देख सकते हो यहाँ पे, और ये हमारे एटी भैया। तो भाई ये पता फर्स्ट टाइम मेरे से ऐसा फ्रंट टू फ्रंट मिल रहा है, तो भाई को थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा। क्यों भाई लग रहा है? बिल्कुल नहीं, सच बता, सच में कसम से। और तू तो बोला 6 फीट तेरी हाइट है, ऐसा तो साले अभी नहीं बोला तेरी हाइट। मेरे को लगा तेरे को ऐसा देखना पड़ेगा, तू तो साले बराबर ही आ रहा। बताया था जो अभी तालाब फुल लबा लब भरा हुआ है, भी डिस्कशन चल रहा है मेरा और इसका कि कहाँ जाए घूमने, क्योंकि भाई भी परेशान हो रहा है यहाँ। ये इंसान भोपाल में रहता है, इसको कहीं पता नहीं कहाँ घूमना है। भाई तो मैं घूमता ही नहीं हूँ यहाँ पे ज्यादा, मैं नहीं घूमता, मैं बाहर बाहर घूम रहा हूँ। ये बता तू कितने साल से है भोपाल में? 10 साल। 10 साल बा अभी भाई को भी करनी बोटिंग, और बोटिंग में ना अभी हवा निकल जाएगी, मैं आप लोग बता रहा हूँ। इतनी ज्यादा यहाँ पे धूप है, धूप और छांव हो रहे हैं, बादल देख सकते हो आप ऊपर, धूप और छांव हो रहा है, लेकिन धूप ज़्यादा है यार, और पानी भी इतना ज़्यादा है, इसको तैरना भी नहीं आता है, कहीं मर मुरा गया घर में। सब कुछ आता है, तो इकलौता है ना घर में यार, इकलौता है लोग साथ, मेरे को चलने में ना दिक्कत होती है, जो लौते रहते हैं ना वो कम निपट जाए कुछ कह नहीं सकते, और तेरे खानदानी चिराग बुझ जाएगा साले। तालाब कितना भरा हुआ है ये यहाँ पे, पहले ये जो अभी पानी गिर रहा था ना इसके ऊपर तक आ गया था, बाकी ये पूरा लेक व्यू देख सकते हो। और चलते हैं यार, अभी हो सकेगा तो बोटिंग करूँगा थोड़ी देर बैठ के। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं VIP रोड के लिए, क्योंकि इसको VIP रोड भी दिखाई देते हैं, वहाँ राजा भोज की मूर्ति है, और अभी एक वीडियो वायरल हुई थी कि मुझे राजा भोज की मूर्ति टूट गई है, तो जाके एक बार देख भी लेता हूँ है या नहीं है। और भाई यहाँ लेक व्यू घूम घूम के क्या ही करेगा, तो देखो अभी ये सीन है, और हो सकता है तभी हम लोग यहाँ से बोटिंग करने चल रहे हैं, क्यों तेरा मन है? चल देते हैं, अभी तो मौसम भी अच्छा है, मौसम एकदम गार्डन गार्डन। मतलब यार देखो बारिश में ना एक ही अच्छी रहती है कि कभी कभी जैसे मतलब थोड़ा हल्का बादल वगैरह रहते हैं तो मौसम बहुत मस्त रहता है, और जब ऐसा मौसम रहता है तो घूमने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखते हैं, अभी मौसम सही लग रहा है, तो अगर बोटिंग करने का प्लान, मतलब अगर हमने मान के पैसे में मतलब 150 में कर दिया तो जाएंगे, 200 नहीं देने वाले, दे भी देंगे यार भाई के लिए, दे देंगे, चलो कर लेते बोटिंग करते पहले, ये तो कन्फर्म हो गया। अभी मैं फुल रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए, एंड ये हमारे राज भाई, बोटिंग करने का मन था तो कैसे तोड़ सकते हैं यार, इसका मन है और हम करने ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। पिछली बार मैं गोलू शिवम सनी ये लोग आए थे, तो मतलब उस टाइम ना ऐसे लेक में ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चूँ चूँ कर रही थी। अभी तो ये मतलब ये वाला थोड़ा सही है, इसमें ऑयल वगैरह का यूज़ किया गया है, तो इसमें सही वॉइस आया, मतलब सही आ रहा है। भाई बहुत ख़राब लग रहा है, मतलब देखो धूप आ चुकी है, बहुत डेंजर आ चुकी है धूप, देख रहे हो ना सामने से, देखते नहीं बन रहा, पीछे सूर्य भगवान को इधर देखो किधर है, यहाँ पे है यार, एक ही प्रॉब्लम है, धूप रहती है थोड़ा ख़राब लग रहा है, बाकी तो मज़े आ रहे कि नहीं? हाँ
राज भाई कैसा लग रहा है यहाँ भोपाल आके? एक नंबर। अभी तीन दिन तुम भोपाल में आके सो रहे थे तो वहाँ तो कुछ मजा नहीं आ रहा होगा। सोने में क्या ही मजा आता है। तीस मिनट का बोला था, 30 मिनट से कमी हुए, मतलब 20 मिनट हुए हम लोग आ गए यार, कि धूप है तो धूप में नहीं मजा आ रहा, तो चलो फटाफट से बोट लगाते हैं। इसके बाद मैं और रेट्टी भाई थोड़ा कुछ और जगह घूम लेते हैं क्यों भाई? चलो भाई आ चुके हैं, अब ये लाइफ जैकेट को वहाँ पे उतारेंगे। मस्त है, उतारना ही पड़ेगा बेटा, पिछवाड़े मारेंगे वो लोग। चलो फटाफट लाइफ जैकेट उतारते हैं एंड फिर चलते थोड़ा न्यू मार्केट के लिए। भाई कुछ लेना वगैरह हो तो ले लेगा, और नहीं तो छोले भटूरे खाएंगे। तो भाई लोग गाड़ी में आ चुके हैं एंड यार सीट बहुत ज़्यादा गर्म हो गई धूप के कारण, तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से न्यू मार्केट के लिए, डायरेक्ट निकलते हैं थोड़ा। भाई को भी यहाँ पे लाया हूँ कि यहाँ पे देखो लेक व्यू लिखा, व्यू ऑफ लेक्स लिखा हुआ है एंड ये पूरा आप देख सकते हो, और ये हमारे राज भाई को देख सकते हो। राज ऐसे ही घूम रहा हूँ हेलमेट लगा के, क्योंकि धूप ज्यादा है ना, कौन निकाले ऐसे ही घूमते रहेंगे। काला हो गया। अब देख के बोरा दिख रहा हूँ राज भाई, ये बोरा दिख रहा ना भाई, कमेंट करके बता दे। अभी यहाँ से हम लोग निकलते हैं, राज भाई को जितना ज्यादा घुमा सकते घुमा दिए। राज भाई बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पीछे यहाँ से पानी गिर रहा है ना झरने का, ये दिखाए तुम लोगों को। कभी कभी होता है जैसे बारिश वगैरह रहती है, तेज बारिश होती है तब यहाँ से पानी वगैरह गिरता रहता है। तो चलो यार अभी चलते हैं यहाँ से हम लोग, डायरेक्ट निकलते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर राज भाई को जाना भी है। भाई बहुत थक गया हूँ यार, तो यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग के पास आके थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ मैं और राज भाई। इसके बाद जाते हैं छोले भटूरे खाएंगे दबा के, मुझे भूख तो नहीं लग रही लेकिन अब राज भाई बोल रहे हैं तो खा लेते हैं। छोले भटूरे खा गया है एंड यार देखो मुझे तो ऑलवेज वो अच्छा ही लगता है, क्योंकि मैं यहीं का हूँ तो मुझे पसंद ही होगा। तो राज भाई से रिव्यू लेते हैं, तुमको कैसा लगा ब्रदर? एक नंबर का भाई, सच बता एक नंबर। भाई देखो इसको ही पसंद आया, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं किसी को नहीं पसंद आता है, किसी को बहुत पसंद आता है। तो अब यहाँ से मैं निकलता हूँ, इसको छोड़ूंगा भाई को अपने, किधर छोड़ना है? अशोका गार्डन। इसको छोड़ना है अशोका गार्डन एंड उसके बाद मैं वहाँ से निकलूंगा घर के लिए। बहुत हो गया भाई, पेट इतना ज़्यादा भर गया कि लगता है ब्लास्ट होने वाला है। चलो फटाफट से यहाँ से अपनी गाड़ी लेते हैं। ये है मल्टी लेवल पार्किंग न्यू मार्केट। हमारा भाई जा रहा है तो चलो मिलते हैं, टाटा बाय बाय। ब्लॉग में तुम्हारी एंडिंग करते ठीक है भाई। चलो भाई हाँ मैं अब यहाँ से निकलता हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा लेट हो गया था यार, उसका मतलब ट्रेन है उसकी 5 बजे। तो चलो फटाफट से चलते हैं, मैं भी घर के लिए निकलता हूँ। अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो सांची डेयरी पे रुका हुआ, तो सोचा कि मतलब ये ले लेते हैं, क्या है रबड़ी है, मम्मी के लिए भी हो जाएगा, तो फटाफट ये ले लियो। लेकिन दिक्कत ये होगी कि यार इसको ले लिया हूँ लेकिन लेकर कैसे जाऊँ, क्योंकि भैया ने पॉलीथीन दिया नहीं है। तो अभी जाता हूँ वहाँ पे हेड और ठेले वाला दिख रहे भैया, उनके पास जाके पॉलीथीन लेता हूँ, फिर यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस जस्ट अभी घर पहुंचा हूँ यार, एयर मुझे लगा था लाइट नहीं होगी, लेकिन अच्छी बात यह है घर में लाइट है, लाइट है थोड़ा अच्छा एंड बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार। आप जैसी हालत देख ही रहे हो, वहाँ से आने में काफ़ी ज़्यादा थकान लग रही है, तो अभी फटाफट फ़ोन चार्ज लगा दूँ, क्योंकि फ़ोन की बैटरी जो 10% हो गई थी एंड आज जो है फ़ोन का स्टोरेज भी फुल हो गया, मतलब अभी तक सिर्फ बैटरी खत्म हुई थी अभी स्टोरेज भी फुल हो रहा है। तो यार ये जो वीडियो है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सभी लोग को शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।